More news coming in. This is a Mega India Today exclusive news break. ISIS nefarious terror attack plan accessed. Documents of massive terror plot that the ISI was designing has now been accessed by India Today. The ISI plotted an attack on BJP RSS leaders in Delhi. Canada-based terrorist Archdeep plotted the attack is what we've been given to understand. Arvind Oja has more details in that story. Arvind, Archdeep ke baare mein bataiye aur is terror plot ke baare mein bataiye. देखिए सबसे पहले ये बताऊं कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसने केटू डेस्क बनाया हुआ है, जिस केटू डेस्क मतलब कश्मीर और खालिस्तान, और इसी के तहत लश्कर का एक ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान में मौजूद है सुहेल, जबकि एक डेजिनेटेड टेररिस्ट है, खालिस्तानी टेररिस्ट जो कनाडा बेस्ड है, अर्शदीप दल्ला, ये दोनों हैंडलर थे और इन दोनों ने दिल्ली एनसीआर और पंजाब में बीजेपी और आरएसएस के लीडर की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया है। और इसका खुलासा तब हुआ जब जनवरी में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से जगजीत और नौशाद नाम के दो टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ के बाद और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको सीज किया गया, जिससे कई एविडेंस मिले और इससे ये खुलासा होता है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है वो कनाडा बेस्ड गैंगस्टर जो डेजिनेटेड टेररिस्ट भी है अर्शदीप दल्ला और जो लश्कर का टेररिस्ट है सुहेल, इन दोनों को ज्वाइंट करके इंडिया में खासकर दिल्ली एनसीआर और पंजाब में जो प्रोमिनेंट बीजेपी आरएसएस के लीडर है उनकी टारगेट किलिंग करवाना चाहती है। यहां तक कि दिल्ली में एक हिंदू लड़के का बाकायदा मर्डर किया गया, उसका वीडियो बनाकर जो अरेस्टेड अक्यूज है उन्होंने कनाडा और पाकिस्तान में भेजा था, वो वीडियो भी स्पेशल सेल ने रिकवर किया। लेकिन अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके स्पेशल सेल ने ये बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गैंगस्टर और लश्कर के जो टेररिस्ट हैं उनका इस्तेमाल करके दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब में बड़े पैमाने पर जो प्रोमिनेंट लीडर हैं उनकी टारगेट किलिंग कराना चाहती है। यहां तक कि पंजाब में कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर हैं उनकी प्रॉपर रेकी भी की गई, हालांकि वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला खुलासा स्पेशल सेल ने कोर्ट में किया है, जो डॉक्यूमेंट इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है। जी बिल्कुल, अरविंद आपने कहा कि ये प्लॉट था अटैक करने के लिए बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में दिल्ली में, क्या प्लॉट था एग्जैक्टली, क्या इनका प्लान था? देखिए सबसे पहले बताता हूं कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने एक अलग से डेस्क सेटअप किया है जिसका नाम है केटू डेस्क, जिसमें केटू मतलब कश्मीर और खालिस्तान, इसमें जो कश्मीर रिलेटेड टेररिस्ट है उनको और जो खालिस्तान के टेररिस्ट है उनको एक साथ ज्वाइंट किया गया है और फिर गैंगस्टर को रिक्रूट करके उनके जरिए पंजाब में हाल फिलहाल में आपने देखा होगा काफी ज्यादा टारगेट किलिंग और टेरर स्ट्राइक हुए हैं, वो सभी इसी केटू डेस्क के थ्रू गैंगस्टर का इस्तेमाल करके किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी से जनवरी में दो अक्यूज अरेस्ट किए थे, जगजीत जो पंजाब का रहने वाला है, नौशाद जो दिल्ली का रहने वाला है, उन दोनों को अरेस्ट किया और जब उनसे उनको इंट्रोगेट किया गया और खास तौर से उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सीज किया गया, उससे कई खुलासे हुए जिसमें जगजीत अर्श डल्ला से बातचीत कर रहा था जबकि नौशाद लश्कर का ऑपरेटिव जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उससे बातचीत कर रहा था और उन दोनों लगातार चैट्स में ये कह रहे थे कि जो प्रोमिनेंट बीजेपी आरएसएस के लीडर हैं दिल्ली एनसीआर में और खासतौर से पंजाब में, वो लीडर जो खालिस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनकी टारगेट किलिंग है, और दोनों जो अरेस्टेड अक्यूज है उन्होंने बाकायदा अपने हैंडलर को खुश करने के लिए दिल्ली में एक लड़के का मर्डर किया, मर्डर करते हुए का उसका वीडियो बनाया और अपने हैंडलर को पाकिस्तान और कनाडा में भेजा। ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली घटना जो इंसिडेंट है वो हुई है रिपोर्टेड और वो वीडियो भी स्पेशल सेल ने रिकवर किया। उसके बाद ये इनका प्लान था आगे एग्जीक्यूट करना, लेकिन उसके पहले ही सेंट्रल एजेंसीज की मदद से स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन जो केटू डेस्क है पाकिस्तान की आईएसआई वो अभी भी कई गैंगस्टर को जो इंडिया से बाहर बैठे हुए उनको रिक्रूट कर रही है, जो लश्कर के टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके जरिए दिल्ली एनसीआर और खासतौर से पंजाब में टारगेट किलिंग को अंजाम देना चाहती है, और यही स्पेशल सेल ने कोर्ट के सामने खुलासा किया। अरविंद ओझा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद, गेटिंग अस ऑल ऑफ दोज डिटेल्स एज फार एज द नेफेरियस डिजाइंस ऑफ द आईएसआई इज कंसर्न्ड।